रणवीर जी कितना पिटवाएगा भाई, पहले रणवीर से और अब यहीं नंगियों से। Alright, so guys, आज सेकंड डे शूट का एंड ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में हम लोग बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आगे सेटअप लगा रहा है एंड अब सोच रहे हैं कि क्या सीन है। सीन वही है यार जो कल आधा हुआ था, पूरा नहीं हुआ एंड कल मैं ब्लॉग पीछे शूट नहीं कर पाया क्योंकि यार फर्स्ट डे था एंड टाइम नहीं मिला एंड बैटरी भी खराब हो गई थी। बट आज मैं आप लोगों को कुछ अंधेरे से फैक्ट दिखाऊंगा कैसे रिएक्शन ले जाते हैं, कैसे कैसे मतलब सीन इतना लंबा शूट होता है, हर किसी का यहाँ पे रिएक्शन ले जाता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ आगे। एक्चुअली वो है शूट की लोकेशन एंड यहाँ पे शूट चल रहा है बढ़िया से, वहाँ पे सीन चल रहा है एंड यहाँ पे हमें ये रोल करने के लिए मना कर रखा है एंड ये बन रखा है बिल्कुल एकदम आपका ये मंडी टाइप की, मंडी का सीन है एंड यहाँ पे कैमरा लोग डी ओ पी एंड यहाँ पे सब क्राउड क्राउड है एंड ग्राफिक यूनिवर्सिटी है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड आप लोग को के साथ बने रहेंगे एंड आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं एंड जो यहाँ पे ये है मेन एक्टर की मौसी जी मैम एंड इनके साथ हमारा सीन था। अगर नहीं सीन क्या ले रहे भैया, सीन उसका उसका नहीं ले रहे, सीन क्या ले रहे, जस्ट बार बार का किसी को दिखा रहे हैं। हाँ वीडियो कॉल नहीं कर रहे ना, ना रोल नहीं है। तो कैसा लग रहा है भाई? चल मैं बताता हूँ तेरे को, अभी थोड़ा वो कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ पे चल रहा है सीन, अभी थोड़ी देर में होगा हमारा सीन तो आप लोगों को बताएंगे एंड मेरे को थोड़ा टेक दिया था तो मेरे को अभी इन्होंने टोका कि वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा बात पलट दी है, मैंने बोला वीडियो कॉल करूँ। अभी शाना हो यार, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड ये सीन है बिल्कुल। तो ये मेन एक्ट्रेस है एंड ये मेन एक्ट्रेस की मॉम है इसमें सीन में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड इन्होंने हम पे टमाटर मारे थे एंड एक्चुअली हमने इनको छेड़ा था, बाइकर्स बने थे हम लोग, हम इनके चारों ओर घूमे एंड इनको गंदे गंदे लुक दिए, फिर यहाँ पे आती है उनकी मौसी जी एंड वो हम लोगों को भगाती है टमाटर मार मार के। सो बहुत अच्छा सीन है, दिखाऊंगा आपको सब कुछ बढ़िया से एकदम। सो गाइज ये है अपना ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी जहाँ पे की पूरा शूट चल रहा है आज एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे सब अभी रोल चल रहा है पीछे साइड एंड ये क्रेन क्रेन सब शूटिंग का सामान है, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड यहाँ पे घास देखो, घास में थोड़ा सा पानी है बट अपने को क्या लेना यार एंड बाकी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ डायरेक्टर लोग हैं और जो भी है डायरेक्टर तो मतलब पीछे साइड है एंड यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट लोग हैं हमारे साथ, तो ये अपने आर्टिस्ट हैं ये सब, ये अपनी नंदिनी, हाय हाउ यू, डूब लग गया पर गुड, ये गैरी कैसा लग रहा है भाई, शूट के बारे में दिख रहा हूं, पैसा लूंगा चार्ज करूंगा। चल ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। अभी नहीं मिल रहा। सो ऑलराइट सो गाइस हम लोग बैठे हैं, हमारा हम बाइकर्स का सीन है एक्चुअली, हम बाइकर्स हैं आज एंड मेरे साथ है ये जॉनी सॉरी जॉनसन एंड ये भाई हिमांशु है ना ब्रो यार, तो ये तीसरा बाइकर है, ये थोड़ा नौ सीखिया है बट हम इसे ठीक से सिखा रहे हैं एंड ये पाँव भी रख रहा है बीच बीच में, बट जब सीरियल आएगा तो आप देखोगे एंड कलर्स का सीन है चल रहा है, ग्राफिक करा मैं एंड ग्राफिक करा यार इसकी बात ही कुछ और है, मतलब इसे ही देख के लगता है यार जरा कि यार थोड़ा सेंटर ऐसा टाइप के कॉलेज में आया है जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ की शूटिंग हो रही है, मतलब जो ग्राफिक करा है ना मतलब ये शूटिंग लोकेशन ही बन चुका है एंड देहरादून आपको लोगों को लगता है एक बहुत अच्छा शूटिंग स्पॉट एंड फिल्म सिटी बनने वाली है। तो जो भी होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ एंड सारी चीज़ें अपन लोग करते हैं जैसा भी होता है। ओहो हाउ यू मैम, फीलिंग गुड, इनसे मिले नंदिनी पिकाचू है, मजा आ रहा है शूट में, कैसे प्रोफेशनल लग रहे हैं लोग, वाह यार कितने अच्छे लग रहे, इसे तो खुद फिट आ जाइए। सो आगे चल रहा है रोड गाइस सीन एंड यहाँ पे मेन जो मौसी जी बनी हुई है एंड उनकी फ्रेंड है, तो ये सब सीन है एंड डायरेक्टर लोग हैं और ये अपनी भाई मेरी केटीएम है और ये टीम भी मैंने करवाई है, बाकी सीन अच्छा चल रहा है, ये अपना लग गया काम पे दोबारा, तो ये सारा सीन मैं कैप्चर कर रहा हूँ, मेरे को अभी कोई भी बोल सकता है कुछ भी बट यार मैं ब्लॉगर हूँ तो मुझे ये चीज़ सोचनी नहीं है। चाहिए ना इसमें यार।
सो गाइज आपने सारे सीन देखे, क्या क्या उड़ता क्या क्या नहीं उड़ता। एंड ये ग्लास कैसा लग रहा है मेरा, इस पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। सब लोग बोलते हैं कि भाई ग्लास कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा। मैंने कहा क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, ऐसा क्यों पूछ रहे मेरे से यार। मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने दो से टपा रखा है। एंड टपाई ने एक्चुअली उसमें गिफ्ट करा, तो वही समझो। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है शूट में। तो जो भी होता है आगे की अपडेट्स सब दिखाता हूँ आपको। अरे बोलो ना कुछ, तुम लोग बोल नहीं रहे कुछ यार ब्लॉग में। मेरा नाम बता दो पहले। जॉनसन भाई का नाम है। जॉनसन भाई से एक्चुअली आ गया, भाई पैदा हुए थे तो नाम सोच रहे थे। तो इन लोग को गिफ्ट लेके आया था, बोला कि भाई जॉनसन बेबी। उन्होंने क्या बोला, क्या बोला? जॉनसन। वाओ नाइस नेम। और भाई का नाम वहीं से जॉनसन बोल गया। लव कर दिया जाए इस नाम को, इस नाम को लव कर दिया जाए। सिलेक्शन हो गया। डाल सकते ना, कुछ सीन तो दिक्कत नहीं। हमारे सर का नाम चाहिए नाइस नेम है यहाँ पे सबके। वैसे शूटिंग में मेरा कुछ और नाम भी दिया गया है। इन लोगों ने मेरा कुछ नया नाम दिया है। मैंने इनका नया नाम दिया, मैंने कहा यौन तुम्हारा नाम लग रहा है जॉनसन की तरह। क्योंकि हमारे जब कास्टिंग में ग्रुप में इसका नाम था तो वो बोल रहे जॉनसन। मैंने जॉनसन सुबह सुबह मेरे पास एकदम जॉनसन से निकला। बट भाई को बुरा नहीं लगा, क्योंकि यार ये तो सबका फेवरेट होता है। हाँ ये भाई को दिखाना चाहते हैं। भाई दिखाओ थोड़ा, ये तगड़ी भाई की तगड़ी बॉडी। एंड यू नो मान न्यूट्रिशन, सॉरी ये बॉडी अच्छी। तो मेरा नाम यहाँ पे सबके नाम अलग अलग है। मेरा नाम यहाँ पे टाइगर है। एंड जैसे आप लोगों को बताइए, भाई का नाम जॉनसन एंड इसका तो सिंपल ही नाम है हिमांशु। इस नाम की भी कम प्रजाति बची है अब। बट आपको जैसा भी होता है सब कुछ दिखाता हूँ मैं। टेंशन मत लो एंड प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। सो रूट फाइनली हो चुका है पैकअप एंड बाल बिल्कुल ख़राब एंड थकान सब कुछ। एंड अब सोच रहे हम जाने का, खैर क्योंकि आप रुके भी करेंगे क्या, तो एक बार लास्ट बार डॉक्टर से कंफर्मेशन लेके हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। एंड यहाँ से धूप बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं बाद में। ऋषि कितना पिटवाएगा भाई, पहले रणवीर से और अब यहाँ नवजोत से।